नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। एम्स भोपाल में भर्ती आई है दोस्तों 2023 की, जिसमें क्लर्क, एमटीएस, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, वार्डन, ड्राइवर, यूडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसियां हैं दोस्तों। टोटल वैकेंसी हैं 233 और योग्यता आपकी हाई स्कूल पास है। अगर आप 12th पास हैं तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा भी और वैकेंसी वाइज अलग अलग योग्यताएं हैं, तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम के बारे में सभी जानकारी को। इससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे इस चैनल पर सरकारी नौकरी अलर्ट पर आपको 100% जेन्युइन अपडेट्स मिलते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित। तो अगर आपको ऐसे जेन्युइन अपडेट्स चाहिए बिना किसी बकवास के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं। उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इसका मेंशन हमारे 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने किया था अपने भाषण में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अभी आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑपरेशनल एम्स इन इंडिया एज ऑन 10th अक्टूबर 2023, यानी कि 10 अक्टूबर 2023 तक इंडिया में कितने एम्स ऐसे हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। निर्माणाधीन वाले इसमें काउंट मत करिएगा, निर्माणाधीन वाले अभी इसमें काउंट मत करिएगा। तो आपके ऑप्शन है 19, 20, 21, 22। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो के लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टोटल 233 वैकेंसी है एम्स भोपाल में और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं यहाँ पर। 16 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरने की डेट है, 30 अक्टूबर 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और एग्जाम का एडमिट कार्ड जैसे ही आपका आएगा हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जरूर नोटिफाई कर देंगे, तो शॉर्ट वीडियो सेक्शन भी आप चेक करते रहिए। एप्लीकेशन फी देख सकते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1200 रुपये, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 600 रुपये फीस होगी और एग्जामिनेशन फी आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पे कर पाएंगे। ऑफलाइन पेमेंट करने की कोई जरिया है नहीं, ठीक है। और इसके लिए देख सकते हैं एज लिमिट, आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2023 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल व मैक्सिमम एज 27 से 45 साल पोस्ट वाइज होगी, जो कि अभी हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे दोस्तों। और हाँ, आपको बताना चाहूँगा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और अगर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं दोस्तों, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से अगर आप तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 56 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 56 ईयर जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो 3 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर डाइवोर्स्ड वूमेन, विडो या फिर वूमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं और नॉट रीमैरिड हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 35 साल को उनका एज रिलैक्सेशन मिलेगी। डाइवोर्स्ड वुमेन है, विडोज, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड नॉट री मैरिड, एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपको 40 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। इसके अलावा जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, हु हैव बीन रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विसेज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पब्लिकेशन, तो आपको 5 साल का मिलेगा। यानी कि इसको हिंदी में बता देता हूँ, अगर आप कोई रेगुलर एम्प्लॉई हैं स्टेट गवर्नमेंट के या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कि 3 साल हो गया है उनको जॉब करते हुए, तो आपको जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई डिफेंस पर्सनल हैं जो कि किसी हॉस्टैलिटी में डिसेबल्ड हो गए हों, यानी कि विकलांग हो चुके हों, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 6 साल का और एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 8 साल का रिलैक्सेशन आपको अपर एज लिमिट में मिल जाएगा। तो फॉर्म जरूर भरे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो आपका वैकेंसी डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि किस कैटेगरी में एम्स भोपाल में कितनी वैकेंसी है, आपके जाति वाइज है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सारी वैकेंसियाँ हैं, लेवल 1 और लेवल 2 की 2 वैकेंसी है, ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की लेवल 1 की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की लेवल 2 की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की वैकेंसी है दोस्तों, जो कि अच्छी वैकेंसी होगी आपकी। अपर डिवीजन क्लर्क की लेवल 4 की वैकेंसी है, डाटा एंट्री की लेवल 4 की वैकेंसी है। और यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज चेक करना चाहते हैं तो आप जरूर देखें वीडियो पॉज करके, स्टोर कीपर कम क्लर्क की भी लेवल 2 की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एम्स भोपाल जो भर्ती है इसमें अभी यहाँ पर आपकी वैकेंसी वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स और एज लिमिट हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोर कीपर कम क्लर्क, ये जो ग्रेड ए की वैकेंसी है जिसमें देख सकते हैं टोटल 85 पोस्ट हैं, ठीक है, 85 पोस्ट हैं, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी आप पास होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। एज लिमिट अपर होगी आपकी 30 साल और इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है डिग्री या डिप्लोमा से इन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन,
तो अगर आपने मटेरियल्स मैनेजमेंट किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, चाहे उसमें डिग्री किया हो चाहे डिप्लोमा किया हो, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी, यानी कि आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। ऑफिस स्टोर्स ऑफिस या फिर स्टोर अटेंडेंट यानी कि मल्टीटास्किंग MTS की जो वैकेंसी है, इसकी 40 वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर ITI एग्ज़ाम पास कर रखा है आपने, तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे मल्टीटास्किंग MTS का। मैक्सिमम 30 साल आपकी एज लिमिट हो जाएगी इसमें। इसके अलावा लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC की देख सकते हैं 32 वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आप हाई स्कूल नहीं इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। टाइम अलाउड होगा 10 मिनट, 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट से आपको टाइपिंग करनी होगी या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। एज लिमिट है 18 से 30 साल और डिज़ायरेबल है अगर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आती है, यानी कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो 6 महीने का, तो आपके लिए ये डिज़ायरेबल होगा, ठीक है। यानी कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा वैकेंसी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द वैकेंसी है आपकी सोशल वर्कर, क्वालिफिकेशन है आपका इंटरमीडिएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ सोशल वर्कर। ये जो सोशल वर्कर वाली फॉर्म है इसे भरने के लिए एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल होगी, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं स्टेनोग्राफर, क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी 12th पास होने चाहिए आप या और आपका स्किल टेस्ट नॉर्म्स होना चाहिए, यानी कि आपका जो शॉर्ट हैंड में टाइपिंग होती है आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। डिक्टेशन होगी 10 मिनट की आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे और ट्रांसक्रिप्शन आपको 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश में और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी में कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए, ठीक है दोस्तों। डिज़ायरेबल देख सकते हैं एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन, आपको डिज़ायरेबल यानी कि प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है तो। एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की जो वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि ड्राइवर की जो वैकेंसी है, ठीक है। आप 10वीं पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में कमर्शियल व्हीकल चलाने में, ठीक है। और एज लिमिट देख सकते हैं बिटवीन 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट हो सकती है। इसके अलावा जूनियर वार्डन यानी कि हाउस कीपर की जो पोस्ट है इसके लिए देखते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स। ग्रेजुएट होने चाहिए आप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट यानी कि आपके पास BA BSc BCOM कुछ भी है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन एनी कॉलेज, ठीक है। जूनियर वार्डन या इसके इक्विवेलेंट का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का आपके पास और 30 से 45 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए जूनियर वार्डन की भर्ती को भरने के लिए। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ठीक है। इसको शायद ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट भी बोलते हैं डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट को, तो इसके लिए देख सकते हैं आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होने चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉन्सर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए या फिर आप हाई स्कूल पास हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है कॉन्सर्न डिपार्टमेंट में, तो भी आप यह फॉर्म भर पाएंगे डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट या फिर ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट की। एज लिमिट देख सकते हैं बिटवीन 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर अपर डिवीज़न क्लर्क UDC के पोस्ट के डिटेल देखते हैं। डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स देख सकते हैं आप सेम एज दैट लोअर डिवीज़न क्लर्क, यानी कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की होनी चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क में दोस्तों कितनी मांगी थी जो अभी मैंने आपको बताया, ये देख सकते हैं इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड है वही आपकी UDC पोस्ट के लिए भी मांगी गई है, तो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा स्पीड आपकी नहीं मांगी गई है। आप चाहें तो फॉर्म आराम से भर सकते हैं और एम्स का पेपर है दोस्तों नॉन फैकल्टी का है, तो आई थिंक कि आप अच्छे से निकाल भी सकते हैं अगर आपने तैयारी ठीक से कर रखी है तो। नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, अब इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। शुड पजेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर हावर फॉर डाटा एंट्री वर्क, यानी कि 1 घंटे में आपको एटलीस्ट 8000 आपको की यानी कंप्यूटर पर टाइपिंग 8000 कीज का करना होगा, ठीक है। ये आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का, जो कि अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और एज लिमिट है 18 से 27 साल। नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं आप जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी के स्टेनो की जूनियर स्केल स्टेनो की भर्ती है। 12th पास होने चाहिए आप। स्किल टेस्ट नॉर्म्स आपका होगा यानी कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी। हिंदी शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड होनी चाहिए 64 वर्ड पर मिनट, ये तो काफ़ी कम है दोस्तों। आप चाहें तो यह फॉर्म भी भर सकते हैं अगर आपने हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रखी है तो, एट अ स्पीड ऑफ 11 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 64 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 11 वर्ड पर मिनट होगी आपकी। ट्रांसक्रिप्शन यानी कंप्यूटर पर टाइपिंग जिसको बोलते हैं 11 वर्ड पर मिनट की होगी
और मिस्टेक आपकी 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिज़ायरेबल कैंडिडेट वो होंगे जो कि एक्सेलेंट कमांड रखते हों ओवर हिंदी भाषा पे, रिटन और स्पोकन दोनों में। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल हो जाएगी इसकी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट वैकेंसी है आपकी, नेम ऑफ द पोस्ट है सिक्योरिटी कम फायर जमादार का, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, हाइट 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, और चेस्ट का एक्सपेंशन करने पे आपका 5 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट में इन्फ्लेशन होना चाहिए। और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का उसमें आपको मिल जाएगा। और वो था इसकी जो विज़न है, वो 6x12 हो सकती है विदाउट ग्लास के, 6x12 होनी चाहिए। और देयर शुड बी नो कलर ब्लाइंडनेस, आपको कोई भी वर्णांधता नहीं होनी चाहिए। द कलर ब्लाइंडनेस यानी कि जैसे आंखों से आप देखते हैं तो रंगों को पहचान ना कर पाना, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो आपको वैसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और फिजिकली आप फिट होने चाहिए। और इसमें डिज़ायरेबल किसको मिलेगा, सर्विस इन द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस में अगर आपने जॉब कर रखी है तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। एक्सपीरियंस फॉर ऑफ परफॉर्मिंग सिक्योरिटी ड्यूटीज़, अगर आपको एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी का तो भी आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगा दोस्तों। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 का, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा दोस्तों। पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जिस वैकेंसी में स्किल टेस्ट मांगी गई है उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपकी इसमें जो है भर्ती हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं CBT 1 यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए। इसके लिए देख सकते हैं 35% मार्क्स आपके आने चाहिए। देखिए पेपर वन में आपके मिनिमम 35% मार्क्स तो आने ही चाहिए, उसके बाद जो कट ऑफ पे मेरिट बनेगी वो तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। देख सकते हैं पेपर वन में 100 क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 100 मार्क्स के ही होंगे। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, ठीक है। और देख सकते हैं आप क्वेश्चन जो आपके होंगे वो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग आपकी होगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, ETC से आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, CCS होगा, कंडक्ट रूल्स 1964 से क्वेश्चन होंगे, और CCS लीव रूल्स 1972 से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देख सकते हैं सेपरेट पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, यानी कि जो पोस्ट होंगी उनके पोस्ट वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी हर एक पोस्ट के लिए आपके इस पेपर वन के एग्ज़ाम के बेस पे, ठीक है दोस्तों। अभी देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यहाँ पर। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, तो जो क्वेश्चन ना आते हों उन पर तुक्का मार के ना आए, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी में रिवाइज द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ CBT डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट अवेलेबल ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, यानी कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है वो क्वालिफाइंग मार्क्स को टाइम आने पर, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। और हाँ, PWD कैंडिडेट्स को अगर स्क्राइब्स चाहिए हो यानी कि जिनको लिखने के लिए या फिर कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो कि उनकी हेल्प कर सके एग्जाम में, तो वो उनको मिल जाएगा। आपको वैलिड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसे कि जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्लास 10th लेवल 10th मार्क्स की। देख सकते हैं जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आपके 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे और ये भी 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसके अंदर पढ़ पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th लेवल के। और इसके अलावा देख सकते हैं मैथमेटिक्स में क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी जो कि 20 मार्क्स की होगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स की पूछी जाएगी आपसे और ये भी क्लास टेंथ लेवल की। रीजनिंग तो दोस्तों आपकी नॉर्मल ही आती है। और उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट 10 मार्क्स के होंगे आपके, नॉलेज ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964, CCS लेवल्स रूल 1972, ये भी आपके 10 मार्क्स के होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपका जो हमने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में उसका जवाब आपको दिए देते हैं। हाउ मेनी ऑपरेशनल एम्स इन इंडिया एज ऑन 10th अक्टूबर 2023, यानी कि 10 अक्टूबर 2023 तक इंडिया में कितने ऐसे हैं एम्स जो कि ऑपरेशनल हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों 20 एम्स। इंडिया में टोटल जो 20 एम्स हैं वो ऑपरेशनल हैं और जिसमें कि 6 एम्स और हैं ऐसे जो कि बन रहे हैं। और विवाद उस पर हुआ था, गणतंत्र दिवस पर जब मोदी जी हमारे भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बिहार का जो शायद देवगढ़ जिला है उसमें जो एम्स बन रहा था उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि वो बनकर तैयार हो चुका है, वहाँ पर लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है।
लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर बना नहीं था। अब मुझे ये कंफर्म नहीं कि देवगढ़ जिले पर उन्होंने बोला था या किस जिले पर बोला था, लेकिन उन्होंने बिहार से संबंधित किसी जिले पर तो बोला था, ठीक है, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। और इसके अलावा इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल्स यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको छिटपुट अपडेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं प्रॉपर चला नहीं रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब चलाएंगा तो आपको वहाँ पर भी प्रॉपर अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।